इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या? ई के बाद आई, ए के बाद बी, ई के बाद बी, ई के बाद क्या आता है? आता है जी, नहीं आता। जी 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 आता है। ई के बाद जी आता है। आप घुमा रहे हैं ना। मुझे बताइए कॉमन सेंस कितनी है? वो क्या होती है? अकल। खुदा का शुक्र। अकल कितने परसेंट है? अकल तो है, यानी कि इतनी है कि किसी से फालतू बात नहीं करते। चले आपको कोई गाना आता है? गाने बहुत आते हैं, इंडियन पाकिस्तान कौन सुनना? चले सुनाए एक इंडियन और एक पाकिस्तान। शोह नजारे देने गवाई, मिल के टोरे पे प्यार दराई, जद तक साने तेरी कसमें, मैंने सैनी पल दी जुदाई। वन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इरम और आप देख रहे हैं वन पॉइंट। जनाज़ीन आज हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में बहुत से दिलचस्प सवाल के साथ। तो आज हमारा सवाल ये है, इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? तो जानते हैं आवाम से उनके मजे मजे के जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जावेद। क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं। कुकिंग करते हैं। अच्छा मुझे बताइए कॉमन सेंस कितनी है? वो क्या होती है? अकल। अकल, खुदा का शुक्र। अच्छी है। हाँ जी। अच्छी है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? तरु। क्या? तरु। वो क्या होता है? दूसरा दिन ईद का। नहीं, और क्या होता है? आपके इंग्लिश के लेटर में तरु आता है क्या? हाँ जी। ई के बाद ए बी सी। ए बी सी सुनी हुई है? आती है आपको? मुझे नहीं आती। ए बी सी भी नहीं आती? सबको आती है, आपको नहीं आती? मुझे नहीं आती। क्यों नहीं आती? वन टू थ्री आती है। ए बी सी भी आती होगी। चले आपको कोई गाना आता है? गाने बहुत आते हैं, इंडियन पाकिस्तान कौन सुनना? चले सुनाए एक इंडियन और एक पाकिस्तान। मैं ते मेरा दिल बर जहानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जहानी, शोह नजारे देने गवाई, मिल के टोरे पे प्यार दराई, जद तक साने तेरी कसमें, मैंने सैनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड़ रचाई, कंबली दी होश पलाई, जुल्फां भी होइयां परेशान, मौसम होया बेईमान। वाह जी वाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रशीद। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे सपोर्टिव ऑफिसर हूँ। यहाँ के? यस। मार्केट के? जी जी। अच्छा मुझे बताएं कॉमन सेंस कितनी है आपकी? तकरीबन 48। 48% है? जी। अच्छा मुझे बताएं इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? ईद के बाद डरु मरु। ईद नहीं, सब ईद समझ रहे हैं। ई ए बी सी बद है? ई के बाद क्या आता है? ए के बाद बी। ई के बाद बी आता है? ए बी। नहीं, ए बी सी नहीं आती। ई के बाद एफ आता है भाई जान। एफ 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 आता है? एफ। फिर सोच ले, इंग्लिश के स्पेलिंग सुनाए। नो। इंग्लिश के स्पेलिंग नहीं आते? और कुछ आवाम को पैगाम देना चाहते हैं आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फैसल। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब का कॉमन सेंस कितनी है? नॉर्मल है। कितने परसेंट? तकरीबन 50%। 50% है। मुझे बताएं इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ आता है? जी। इंग्लिश के स्पेलिंग तो सुनाएं। इंग्लिश के? ई आई एन जी एल आई। क्या? दोबारा से? ई एन जी एल आई एस एच। क्या आता है ई के बाद? ई के बाद आई। नौ। आई। जी, नहीं आता। जी 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 आता है। ई के बाद जी आता है। आप घुमा रहे हैं ना। आप घुमा रहे हैं।
किसके बाद? इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या? इंग्लिश के लेटर में ई के बाद एन। इंग्लिश ये रट्टा मारा है? नहीं नहीं रट्टा नहीं मारा, आपके सामने बता रहा हूँ। तो पहले बता देते। नहीं पहले समझ नहीं आई थी ना लफ्ज की। लफ्ज की समझ नहीं जी। अच्छा कोई टैलेंट है आप में? जी बिल्कुल। क्या है? ना सुना सकता हूँ आपको? ना सुनाने है, चलो सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझ खताकार सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राणा उस्मान जी। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है जी। किससे? गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम। इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? सॉरी ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? एफ ही आता है। ई के बाद एफ आता है। ई के बाद एफ आता है। ई के बाद एफ जी बात क्या पता है? ये मैंने भी कहा था कि मैं भी कहना चाह रहा हूं। ई के बाद क्या आता है? एफ। ई के बाद एफ आता है। ई ई इंग्लिश के लेटर में। यस लेटर के हो रहा था जैसे सांस और एन आता लेटर में इंग्लिश वर्ड में। ये चीटिंग है। ओके एन आप नहीं बताएं? आपने बताएं? नहीं जी नहीं, ये चीटिंग। चलो चेंज आपने पहले एफ बोल कर लें। बस अब मेरे पास ये थे दो सवाल मैंने आपसे कर लिए। चलें अब ये हो ही गया मेरा। किसी दूसरा सवाल? कोई टैलेंट है आप में? अब खाना खाते सुनो सुना दे। चले टैलेंट आपको ना नेक्स्ट पे रख लें, जब अकेले आएंगे दोस्तों के साथ फिर आपको टैलेंट दिखाएंगे। थैंक यू। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। क्या करती हूँ? काम करती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे काम करती हूँ? स्टडी की है? थ्री तक। थ्री तक की है? कॉमन अभी कर रही हूँ जी। थ्री के पेपर दे दिए एनुअल जी? अच्छा फिर तो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कॉमन सेंस कितनी है? नहीं पता। अकल कितने परसेंट है? अकल तो है यानी कि इतनी है कि किसी से फालतू बात नहीं करते। अच्छा। और किसी से यानी कि कोई ऐसे पैसे पकड़ा रहा हो नहीं लेते। अच्छा और? और किसी से बिना वजह बात नहीं करते। अच्छा जी वेरी। इतनी है अकल जी। अच्छा मुझे बताओ इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? ई एफ। ई के बाद एफ आता है। फिर सोचो इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या ए बी सी डी ई एफ जी क्या आता है? जी आते हैं। इंग्लिश की स्पेलिंग आते हैं? अच्छा आप ये पूछेंगे इंग्लिश की स्पेलिंग में? नहीं नहीं इंग्लिश के लेटर में क्या आता है ई के बाद? इंग्लिश की स्पेलिंग सुनाओ। इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आते? नहीं आते। थ्री क्लास में हो जी तो इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं? टीचर ने कभी पूछे नहीं है। ये टीचर की गलती है जी। सामने वाले बोले टीचर आपकी गलती है। टीचर आपकी गलती है। कोई गाना आता है? जी आता है। चलो फिर सुनाओ जल्दी से। कुछ भी नहीं है ये जहां तू है तो इसमें है जिंदगी। अब जाना है मुझको कहां के तू ही सफर है आखरी। के तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहती हूँ
ये तू कभी सोच ना सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दानियाल। क्या करते? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। कौन सी? निशात का एम्प्लॉय हूँ। कॉमन सेंस कितनी है? ठीक है बस। नॉर्मल है। इंग्लिश के लेटर में ये के बाद क्या आता है? एन। एन? एन आता है। एबीसी सुना? इंग्लिश के लेटर में या पूरी अल्फाबेट में? इंग्लिश के लेटर में ये के बाद क्या आता है? एन ही आता है। एन आता है। एबीसी सुना पूरी। मैंने पूरी तो नहीं सुनी। अच्छा ए बी सी डी ई एफ क्या आता है? ये तो अल्फाबेट में आता है ना, मैं समझा सिर्फ इंग्लिश पूछ रही है। जो इंग्लिश एक इंग्लिश की स्पेलिंग सुनाओ। ई एन जी एल आई एस एच क्या आता है? ई के बाद एन आता है। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट और तो कोई नहीं। गाना या शेर आता है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते? फिटनेस ट्रेनर हूँ। अच्छा मुझे बताएं इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? ई इंग्लिश के? इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? एन। एन आता है। इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच। पक्की बात है? हाँ। फिर सोचे ई आता ई अगर एफ नहीं आता। एबीसी में देखा जाए, आपने इंग्लिश के पूछा वर्ड में, तो मैंने इंग्लिश के लिहाज से बताया आपको। अगर वेरी गुड तो एफ आता है। एफ आता है। हाँ अगर लेटर के बारे में बात, हाँ तो ई एफ आता है। और अगर ई एफ आता है, अगर इंग्लिश वर्ड के बारे में पूछा जाए तो ई के बाद एन आता है, अगर ए बी सी के बारे में पूछा जाए तो ई के बाद एफ आता है। वेरी गुड, थैंक यू। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते? फिटनेस ट्रेनर हूँ। अच्छा मुझे बताएं कॉमन सेंस कितनी है? पता नहीं, कभी मेजर नहीं की। कितने परसेंट? मेजर नहीं की कभी, परसेंटेज पता ही नहीं। अच्छा मुझे बताएं इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? ई इंग्लिश के? इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है? एन। एन आता है। इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच। पक्की बात है? हाँ। फिर सोचे ई आता है। ई अगर एफ नहीं आता। एबीसी में देखा जाए, आपने इंग्लिश के पूछा वर्ड में, तो मैंने इंग्लिश के लिहाज से बताया आपको। अगर वेरी गुड तो एफ आता है। एफ आता है। हाँ अगर लेटर के बारे में बात, हाँ तो ई एफ आता है। और अगर ई एफ आता है, अगर इंग्लिश वर्ड के बारे में पूछा जाए तो ई के बाद एन आता है, अगर ए बी सी के बारे में पूछा जाए तो ई के बाद एफ आता है। वेरी गुड, थैंक यू। जी वेलकम। तो जी नाज़रीन, आज का हमारा सवाल ये था इंग्लिश के लेटर में ई के बाद क्या आता है। तो इंग्लिश के आज उसका जवाब ये है, ई के बाद एन आता है। तो बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान इरम जट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।